पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। श्रद्धेय मंत्री मुनि श्री साधु साध्वी वृंद, बंधुओं बहनों, आरहत वांग्मय में कहा गया है, तया लोग मलोगम च जिणो जानई केवली। जो साधक केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह सब कुछ जान लेता है, उसके लिए कोई भी ज्ञेय अज्ञात नहीं रहता है। लोक को भी जान लेता है और अलोक को भी वह जान लेता है। हम जिसमें जी रहे हैं वह लोक है, अलोक में तो कोई प्राणी पैदा भी नहीं हो सकता और कोई वहां जा भी नहीं सकता, वह तो मात्र आकाश है। अनंत आकाश अलोक में पड़ा है, असीम आकाश। आकाश तो अपने आप में एक ही है, दो विभाग हमने कर दिए हैं, एक लोकाकाश और दूसरा अलोकाकाश। जैसे समुद्र में कोई छोटा सा बीच में टापू होता है, वैसे इस अनंत आकाश में यह छोटा सा टापू के समान हमारा लोकाकाश है। जितने भी प्राणी हैं वे सब लोक में ही हैं, लोकाकाश और लोक एक ही बात है, लोक में ही हैं। जितने भी पुद्गल हैं, पदार्थ दृश्य या कुछ अदृश्य पुद्गल भी, वे सभी भी इस लोकाकाश में ही हैं। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय ये भी लोकाकाश में ही हैं, और व्यावहारिक काल भी लोकाकाश में ही है। पंचभिरपि धर्मादिभि सुगठित सीमानम्। लोक वह है जहां धर्म आदि पांच द्रव्य प्राप्त होते हैं, और अलोक वह है जहां एकमात्र आकाश ही होता है और कुछ नहीं होता। यह लोक तीन भागों में विभक्त है, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और अधोलोक। जीवों से तो मानो भरा पड़ा है। ऊर्ध्व लोक में कितने देवता रहते हैं, अधोलोक में नारकीय जीव भी रहते हैं, और मध्यलोक में मनुष्य पशु आदि पाए जाते हैं। और एक गति से दूसरी गति में यह आत्मा, हमारी आत्मा, हम सब की आत्मा भ्रमण करती रहती है। साधक अनुप्रेक्षा करे, लोक भावना करे कि लोक अपने आप में स्थायी है, पर्याय परिवर्तन वहां भी होता है। अनंत काल पहले भी लोक था, अनंत काल बाद में भी लोक रहेगा। तो किस प्रकार लोक में सुख दुख चलते हैं, कहीं क्रंदन हो रहा है तो कहीं उल्लास और उत्सव का माहौल होता है,
क्वचन तविस मणि मंदिर रुदितो दित रूपम घोर तिमिर नरकादिभि क्वचनाति विरूपम। कहीं स्वर्ग है तो कहीं नरक है। कितने प्राणी इस लोक में हैं, कोई यह पूछे कि इतने प्राणी हैं, इनमें सबसे बढ़िया प्राणी कौन सा है। गाय दुनिया में है, भैंस है, शेर है, देवता भी हैं और कितने जीव हैं, इन सब में सर्वोत्तम प्राणी कौन सा है। तो कहा गया है, हम लोग यदा कदा बताते हैं कि मनुष्य सर्वोत्तम प्राणी है। क्या यह बात इसलिए कही जाती है कि हम सब मनुष्य हैं इसलिए मनुष्य को उत्तम प्राणी बता दिया? ऐसा करना तो न्याय संगत नहीं होता कि हम मनुष्य हैं इसलिए अपने आप को सर्वोत्तम बता दें। परंतु आधार है, आधार यह है पहली बात कि मनुष्य ऐसा प्राणी माना गया है जो सीधा मोक्ष में जा सकता है। दुनिया का और कोई भी प्राणी डायरेक्ट मोक्ष में नहीं जा सकता। स्वर्ग में अनुत्तर विमान में देवता रहते हैं, वे मोक्ष के काफी निकट हैं, हमसे तो बहुत निकट हैं वे मोक्ष के। यहां से तो कितनी दूरी बीच में है मोक्ष में, अनुत्तर विमान सर्वाध के विमान उनके तो निकट ही है मोक्ष, पर वे भी सीधे वहां से मोक्ष में नहीं जा सकते। उन्हें मोक्ष में जाना है तो बाया मनुष्य गति, पहले मनुष्य बनना पड़ेगा और मनुष्य गति से ही वे मोक्ष में जा सकते हैं। इसलिए मनुष्य गति का कितना बड़ा महत्व है कि मोक्ष में जाना इसी गति से हो सकता है। तिर्यंच है, कुछ धर्म की साधना तो कर सकता है, यानी तिर्यंच पशु श्रावक भी बन सकता है, पंचम गुणस्थान धारी बन सकता है, व्रती बन सकता है, परंतु साधुत्व मनुष्य को प्राप्त हो सकता है, तिर्यंच में साधुपना छठा सातवां गुणस्थान नहीं आ सकता। इसलिए तिर्यंच से भी श्रेष्ठ मनुष्य हो जाता है। हम यह भी देखें, मनुष्य के पास जैसा दिमाग है, आज मानव ने कितना विकास किया है। 300-400 बरस पहले जो विकास नहीं था, आज कितना यंत्रों का, उपकरणों का, विज्ञान का, तकनीकी का कितना विकास हो गया। तो यह विकास आदमी ने किया है, किसी गाय ने विकास किया है क्या, किसी भैंस ने किया क्या, किसी शेर ने किया क्या? यानी आदमी के पास ऐसी शक्ति है कि वह विकास भी कर सकता है। रीजनिंग माइंड है आदमी के पास, विवेक शक्ति होती है। हालांकि थोड़ा चिंतन तो पशु में भी संभव है, पशु में भी अपना विवेक है और अपनी सुरक्षा का प्रयास भी पशु करता है कि मैं भी, वो भी कहीं मर न जाए, अपनी जान बचाने का भी प्रयास करता है। पशु अपने संतानों की देखभाल भी करता है। तो कुछ अंशों में तो ज्ञान पशु में भी होता है ऐसा प्रतीत होता है, पर मनुष्य का जो विकसित ज्ञान है वह पशु में प्रायः संभव नहीं लगता। तो मनुष्य सर्वोत्तम प्राणी है। मुझे कोई यह पूछे कि हमारी जो दृश्य दुनिया है इसमें सर्वाधम प्राणी कौन है, सबसे खराब प्राणी कौन है, तो मनुष्य बुरा तो न माने, मैं यह कहना चाहूंगा सबसे खराब प्राणी भी मनुष्य है। मनुष्य जैसा खराब प्राणी मिलना भी मुश्किल है। क्यों? हमारी दृश्य दुनिया में या तो त्रियंच हैं या हम हैं, मनुष्य हैं। आप देखिए,
एक पशु हिंसा करेगा तो एक दिन में मान लो दो को मार दे, चार को मार दे, दस को मार दे, बीस को मार दे, पर एक आदमी के दिमाग में हिंसा का भूत सवार हो जाए तो कितनी बड़ी विनाश की लीला एक आदमी दिखा सकता है। इस अपेक्षा से मैं हमारी इस दृश्य दुनिया का अधम प्राणी भी आदमी को मानता हूं, और इतना अधम आदमी की यानी कई पशु आदमी से अच्छे होते हैं, कई आदमी खराब होते हैं और आदमी की अपेक्षा पशु बेचारे अच्छे होते हैं। पशुओं में अहिंसा देखने को मिलती है, अनुकंपा देखने को मिलती है, और वह अनुकंपा कई मनुष्यों में नहीं भी मिले। एक छोटा सा कथानक आता है, एक आदमी जंगल की ओर जा रहा था और जंगल की सीमा प्रारंभ हो गई थी। चलते चलते सहज भाव से उसने पीछे की ओर देखा तो पता चला कि एक शेर उसके पीछे पीछे आ रहा है। आदमी डर गया कि शेर आ रहा है, जान को खतरा है, यह हिंस्र प्राणी है। थोड़ा तेज गति से आदमी आगे बढ़ा, एक पेड़ आ गया तो वह तत्काल पेड़ के ऊपर चढ़ गया और सोचा अब शेर तो ऊपर आ नहीं सकेगा, अब मैं सुरक्षित हो गया हूं। पेड़ के ऊपर चढ़ा तो वहां पहले से कोई बंदर बैठा था, पर बंदर भी अच्छा प्राणी था तो उसने बड़ा स्वागत किया आदमी का, सम्मान किया और बैठने को अच्छा स्थान दे दिया पेड़ पर। आदमी आराम से पेड़ के ऊपर बैठ गया। यहां आदमी और यहां पास में वह बंदर इस प्रकार बैठे थे मानो दो मित्र पास पास बैठे हों। वह शेर भी चलते चलते पेड़ के पास आ गया और वहां आकर के ठहर गया। देखा कि आदमी भी ऊपर है और पास में यह बानर भी बैठा है, तो शेर ने कहा अई कपी कपे कपी बंदर, यह आदमी तुम्हारे क्या लगता है, तुमने आदमी को क्यों बिठाया पास में, देख मुझे भूख लगी है, कुछ भोजन चाहिए, तो तुम एक काम करो इस आदमी पर झपटो, आक्रमण करो, इसको नीचे गिरा दो, मैं आदमी को खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। बंदर ने हाथ जोड़कर कहा कि मालिक ऐसा आदेश मुझे आप मत दीजिए, जो अतिथि के रूप में मेरे पास आया है, संस्कृत वाङ्मय में कहा गया अतिथि देवो भव, अतिथि तो देवता के समान होता है, उसको यूं आक्रांत करके नीचे गिराना, ऐसा काम करने का आदेश आप मुझे मत दीजिए। बानर ने स्पष्ट मना ही कर दी तो फिर शेर चुप हो गया, वहां खड़ा रहा, न शेर बोल रहा था न बंदर बोल रहा था, और थोड़ी देर में बंदर को नींद आने लग गई। तब शेर ने धीरे से आदमी से कहा कि देखो अभी बंदर तो नींद में है, मुझे तो कुछ खाने को चाहिए, भले तुम्हें खाऊं चाहे बंदर को खाऊं कोई फर्क नहीं मेरे लिए, तुम एक काम करो, तुम चतुर प्राणी हो, इस बंदर को धक्का देकर के नीचे गिरा दो, मैं फिर बंदर को खा लूंगा, तुमको नहीं खाऊंगा, तुम अभय होकर के अपने घर चले जाना, मेरा काम तो बंदर को खाने से हो जाएगा, तुम बस एक काम करो बंदर को नीचे गिरा दो।